hello everyone welcome to our channel beyond the classroom

हमेशा याद रखें दैट मोर इज इंट ऑलवेज बेटर मतलब आपको इन एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन के टाइम पे सारे बुक्स और जितने भी आपका सिलेबस है जितना भी आपका कोर्स uh, मटेरियल है उन उन सारी चीजों के साथ आपको एग्जाम के टाइम नहीं बैठना है आपको इन सारे रिसोर्सेज को स्ट्रीमलाइन करके ऑर्गेनाइज करना है तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को अगेन दो पार्ट्स में ब्रेक कर रही हूँ फर्स्ट पार्ट इज ऑर्गेनाइजिंग योर इंटायर सिलेबस सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज अपने सब्जेक्ट के जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को ऑर्गेनाइज करें नाउ देर आर सम की स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट इज यू नीट टू आइडेंटिफाई एंड प्रिपेर एन इंडेक्स दैप्टर जो आपके सिलेबस में है तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है कि आप अपने सब्जेक्ट के चैप्टर्स uh, की लिस्ट बनाए कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके सब्जेक्ट uh, के सिलेबस में इंक्लूडेड है देन फॉर ईच ऑफ दीज चैप्टर्स यू हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो भी एंड यू हैव टू प्रिपेयर दिस चैप्टर वाइज तो हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं इसकी एक लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है नाउ देर आर टू वेज जो आप जिन जिन दो तरीकों से आप इस इंडेक्स को इस लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हो पहला है कि आप अपनी बुक्स में स्टिकी uh, नोट्स लगा सकते हैं स्टिकी नोट्स आर इजिली एक्सेबल फ्रॉम एनी लोकल स्टेशनरी शॉप बुक्स के जिस भी पेज से आपका एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है आप उनमें स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं बुक के साइड में या फिर आप टॉपिक्स जो भी मेन मेन टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर्स में उन उन स्टिकी नोट्स पे उन टॉपिक्स का नाम लिख सकते हैं और उन स्टिकी नोट्स को स्पेसिफिकली उस पेज पे पेस्ट कर सकते हैं जहाँ से वो टॉपिक शुरू हो दिस विल सेव योर टाइम जब आप एग्जाम लिख रहे होगे और आपको आपको कहीं किसी टॉपिक के लिए बुक में ढूंढना है तो आपको सारे पेजेस नहीं टर्न करने पड़ेंगे यू कैन आइडेंटिफाई द पेज फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक और आप डायरेक्टली स्टिकी नोट्स की मदद से उस पेज तक पहुंच सकते हो दूसरा जो तरीका uh, है इज यूज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम सो अगर आप लोग एक्सएल uh, जैसे प्रोग्राम से कंफर्टेबल हैं गूगल so be uh, uh, मैंने अपने सब्जेक्ट डेटा एनालिसिस के लिए इंडेक्स प्रिपेयर करा है आप देख सकते हो इस वर्क बुक में हर चैप्टर के लिए एक शीट बनाई है सो फॉर एग्जाम्पल आपके पूरे कोर्स uh, में तीन चैप्टर्स है सो so मैंने हर चैप्टर के लिए एक शीट बनाया है और uh, हर शीट पे उस चैप्टर के मेन मेन टॉपिक्स को लिस्ट करा है ने यहाँ पे आ, कुछ कॉलम्स बनाए हैं सेक्शन नंबर देन यू हैव लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देन आई हैव लिस्ट ऑफ सब टॉपिक्स मैंने यहाँ पे ये भी मैंशन करा है कि मैं अपने बुक के कौन से पेज पे इन चैप्टर्स को ढूंढ सकती हूँ सो so, uh, हर चैप्टर के जो भी मेन मेन टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट करे हैं विथ देर सेक्शन नंबर्स और फिर हर सेक्शन में इफ अ सेक्शन इज फर्दर ब्रोकन इंटू सब टॉपिक्स देन मैंने उन सब टॉपिक्स के भी सेक्शन नंबर को यहाँ पे मैंशन करके उन टॉपिक्स के नाम लिखे हैं एंड करस्पॉन्डिंगली उनके सामने मैंने उनके पेज नंबर्स लिखे हैं अगर मुझे लगता है कि इस में कोई कोई important, है, uh, important है. जिसका definition मुझे पता होना चाहिए, तो वो भी मैंने यहाँ पे mention करा हुआ हैं uh, है जो मुझको पता होने चाहिए इस चैप्टर में से और मैं सबको एक जगह पे असेंबल uh, करना चाहती हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे uh, mention कर सकती हूँ uh, इस तरीके की स्प्रेडशीट या इस तरीके के इंडेक्स स्प्रेडशीट से हमको ये फायदा होगा कि सपोज कोई क्वेश्चन आता है और उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ पूछा गया है सो आई कैन यूज द कंट्रोल एफ फीचर ऑफ द स्प्रेडशीट प्रोग्राम और मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड यू विल नोटिस कि मैंने इस पूरी एक्सेल शीट में जहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंशन करा होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगी एंड डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन दैट इज़ बीग आस्ड आई कैन आइडेंटिफाई सपोज क्वेश्चन पूछा है क्यूमोलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि क्यूमोलेटिव फ्रिकुंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन वन पॉइंट टू पेज नंबर फोर सिक्स पे है uh, और मैं अपनी बुक के इस पेज पे जाके uh, अपना आंसर ढूंढ सकती हूँ अगर सपोज मुझसे कोई डेफिनेशन uh, पूछी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की देन अगेन आई हैव अ सेल जहाँ पे मैं इसको ढूंढ सकती हूँ सो बेसिकली कोई भी इन्फॉर्मेशन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपने इस एक्सेल शीट में फीड करी है वो आप इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नाइस मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर इंटायर सिलेबस बिसाइड्स द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स यू कैन ऑल्सो एड अ लॉट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन हेयर इन दिसमुला एड कर सकते हो आप इम्पोर्टेंट डेट्स एड कर सकते हो आप इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन एड कर सकते हो देनर थिंग दैट यू कैन एड टू दिस इंडेक्स इज की आप हर चैप्टर की समरी uh, या हर टॉपिक की जो भी अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है किसी चैप्टर में से तो आप उसकी समरी लिख के पहले से रेडी रख सकते हो जब भी आप वो चैप्टर रीड कर रहे हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के बीच पे आप उसको समराइज करके लिखना चाहते हो सो दैट विल ऑल्सो बी रियली नाइस नाउ अगर आप स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज कर रहे हो तो आप स्प्रेडशीट में ही उस चैप्टर के साइड uh, में जैसे मैंने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन लिखा था ऐसे ही आप अपनी समरीज ऐड कर सकते हो अगर आप बुक में स्टिकी नोट्स पेस्ट कर रहे हो तो आप uh, उन्हीं चैप्टर्स में जहां पे भी वो कॉन्सेप्ट मैंशनड है आप साइड में एक और नोट पेस्ट करके उसकी समरी उसके ऊपर uh, लिख सकते हो नेक्स्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजिंग द फोकस एरिया ऑफ योर सिलेबस नाउ एक पार्ट तो हो गया कि आपने एक ब्रॉड इंडेक्स बनाया है जिसमें आपने अपने पूरे सिलेबस के सारे टॉपिक्स सारे चैप्टर्स को लिस्ट करा है सेकेंड इज टू फोकस ऑन वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ योर सिलेबस नाउ हम सब जानते हैं कि हमारे सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स uh, होते हैं जो बहुत बारी रिपीट होते हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनको भी ऑर्गेनाइज करके रखना है वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स सो सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी क्वांटिटेटिव पेपर आप मैथ्स डेटा ऐसे किसी क्वांटिटेटिव पेपर के लिए प्रिपेयर uh, कर रहे हो तो हम बहुत सारे फॉर्मूले रीड करते हैं इन पेपर्स में नाउ इट विल बी नाइस अगर आप इन सारे फॉर्मूलेस को पहले से ही एक जगह पे लिख के रखें एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखें बिकॉज uh, अगर आपको किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन uh, आता है और आपको उसका फॉर्मूला ढूंढना है तो आपको दोबारा से बुक में या अपने रिसोर्सेज में सर्च प्रोसेस में टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा आप सीधा अपनी फॉर्मूला शीट को रेफर करके अपने करस्पॉन्डिंग जो भी आपको फॉर्मूला रिक्वायर्ड है आप उसको डायरेक्टली उस शीट से यूज कर सकते हो तो दिस uh, शीट विल बी रोली हेल्पफुल एंड विल कम रोली हैंडी वेन यू आर राइटिंग दी एग्जाम सेकेंड इज दैट यू कैन ऑलवेज यूज अ हाईलाइटर जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो जब आप रीड कर रहे हो तब आप अपनी टेक्स्ट बुक में जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उनको पहले से ही हाईलाइट करके रखो uh, कोई भी की टर्म कोई भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या कोई भी हिस्टोरिकल डेट uh, या कोई इक्वेशन कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसको पहले से ही हाईलाइट करके रखो दिस विल हेल्प यू सेव टाइम बिकॉज जब आप दोबारा अपने चैप्टर को देखोगे आंसर आंसर फाइंड आउट करने के लिए जब आप अपने चैप्टर को करोगे तो आपको वो हाईलाइटेड पार्ट्स सबसे पहले दिखेंगे और हो सकता है कि वो क्वेश्चन टॉपिक्स में से आया हो जिनको आपने हाईलाइट करा हो सो so, आपको अगेन पूरा टेक्स्ट रीड नहीं करना पड़ेगा पूरा पैराग्राफ रीड नहीं करना पड़ेगा आप डायरेक्टली उस हाईलाइटेड पार्ट से अपने आंसर फिगर आउट कर सकते हो थर्ड इज uh, आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जिसमें फिगर्स का यूसेज हो या डायग्राम्स हो या ग्राफ्स हो या कोई इंपॉर्टेंट टेबल्स हो आपके कोर्स में uh, अगर आप एग्जाम के टाइम पे उनको समझने बैठोगे तो फिर आपका अगेन टाइम वेस्ट होगा तो बेटर होगा कि आप इन इन तरीके की जो भी विजुअल चीजें हैं डायग्राम्स फिगर्स ग्राफ्स इन इन सबके एक्सप्लेनेशन आप पहले से ही अपने पास रेडी रखो आप अपनी लैंग्वेज में इन uh, डायग्राम्स या टेबल्स की जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है जो भी आपने कॉन्क्लूजन इन टेबल्स को रीड करके बनाए हैं आप उनको उसी पेज पे जहां पे वो टेबल आपकी बुक में है आप वहीं पे एक नोट uh, लगा सकते हो या साइड में मेंशन कर सकते हो अगेन दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपने फोकस uh, एरिया में जो सिलेबस का जो फोकस एरिया है उसको ऑर्गेनाइज करके रखो पहले से ही अनदर वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ ओपन बुक एग्जाम्स इज दैट यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम इन मेमोराइजिंग स्टफ बिकॉज दिज आर ओपन बुक एग्जाम्स यू हैव एक्सेस टू ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज इन योर एग्जाम तो आपको कुछ भी लर्न करने की या मगअप uh, uh, करने की या मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन स्टेज दी ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट बिकॉज दिस इज़ फॉर श्योर कि जब आप एग्जाम लिख रहे होगे तो आपको उस कॉन्सेप्ट को समझने का टाइम नहीं मिलेगा लिमिटेड uh, टाइम होता है तीन या चार घंटे जिसमें आपको अपना पेपर खत्म करना होता है तो जो भी अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो आपको प्रेपरेशन वाली स्टेज में कम्प्लीट करना है प्रपरेशन uh, के लिए डेफिनेटली आपको हर चैप्टर को अपने सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं आपको हर चैप्टर को एटलीस्ट एक बारी तो पढ़ना ही पढ़ना है प्रेफरेबल uh, uh, होगा कि आप एक से ज्यादा बारी पढ़ें एटलीस्ट दो बारी पढ़ें वाइल रीडिंग द चैप्टर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर अगर आप कोई क्वान्टिटेटिव पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन क्वान्टिटेटिव क्वेश्चन या न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो सो so, uh, ड्यूरिंग योर प्रपरेशन आप ऐसा कर सकते हो कि आप डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करके उनके सैम्पल सोल्यूशंस अपने पास रखें एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन उसी टाइप का उसी वराइटी का आता है तो आप अपने सैम्पल सोल्यूशंस को रेफर करके अपने एग्जाम वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो नाउ यू कैन ऑल्सो रेफर टू द पास्ट ईयर पेपर्स

आपके कोर्स uh, में uh, जो बहुत बारी पूछी जाती हो पेपर में तो अगेन आप उनका उनके ऊपर छोटे छोटे राइटअप्स या छोटी छोटी समरीज पहले से ही लिख के रख सकते हो जैसे कि जब आप एग्जाम टाइम पे इन आंसर्स को अटेम्प्ट करो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो uh, तो आप डायरेक्टली इन राइटअप्स से अपने आंसर्स फ्रेम कर सकते हो कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ कि uh, जब आप इन एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट कर रहे हो तब आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है सो रिमेंबर दैट वेन यू आर राइटिंग द एग्जाम टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जैसे कि प्रेपरेशन के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम uh, देते टाइम टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम सीधा एग्जाम के टाइम पे बुक देखेंगे और ओपन बुक है बुक हमारे पास है तो हम सारे आंसर्स ईजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे लेकिन उस टाइम आपके ऊपर प्रेशर होता है एग्जाम खत्म करना होता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरे सिलेबस को सर्च कर पाओ और आप ढूंढ पाओ कि आपको आपका जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आया है तो एग्जाम देते टाइम टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना टाइम को मैनेज इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए आप आ, मेरे दो तीन सजेशंस हैं जो मैं बोलूँगी कि आप फॉलो कर सकते हो फर्स्टली सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है सो डू स्पेंड फाइव और टेन मिनट्स ऑन रीडिंग द क्वेश्चन पेपर नाइसली आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है अच्छे से देखना है और जब आप ये क्वेश्चन पेपर अपना रीड कर रहे हो तो आप हर क्वेश्चन का चैप्टर या टॉपिक अगर आइडेंटिफाई कर पाओ तो आपके लिए अच्छा होगा हो सकता है कि आपके पेपर में कोई दो क्वेश्चन ऐसे हों जो सिमिलर टॉपिक से आए हों या सेम चैप्टर से आए हों तो जब आप उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए अपनी बुक उठाओगे या अपने रिसोर्सेज को रेफर करोगे तो अगर आपको पहले से ही पता होगा कि क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर थ्री सेम चैप्टर से आया है तो आपका टाइम बचेगा अगर आपने अपनी क्वेश्चन पेपर की रीडिंग पहले करी हुई होगी तो देन व्हेन यू गो टू दैट चैप्टर यू विल फाइंड द आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर थ्री टुगेदर सो ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक से आया है और ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको करनी है अपने एग्जाम के पहले पाँच या दस मिनट में देन आई एम श्योर देयर विल बी सम क्वेश्चन इन योर पेपर जो आप बिना अपने नोट्स को बिना अपने रिसोर्सेज को रेफर करें अटैम्प्ट कर सकते हो तो सबसे पहले आपको उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है जिनके आंसर्स आपको ऑलरेडी पता है और आपको अपनी बुक्स और अपने नोट्स को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दिस विल अगेन सेव योर टाइम एंड इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस वाइल गिविंग द एग्जाम सो यू हैव टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स ऑफ थर्ड uh, फिर जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें जिनके आंसर्स आपको ऑलरेडी पता हैं देन यू मूव टू दी अदर क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आप अनश्योर हो या आपको उसके लिए अपने नोट्स को रेफर करना पड़ेगा देन फॉर दीज क्वेश्चंस आइडेंटिफाई द रिसोर्स आप अपनी एक्सेल स्प्रेडशीट जो इंडेक्स आपने बनाया है या अपने बुक को इंडेक्स करा है आप उनको यूज कर सकते हो और अपने टॉपिक्स को लोकेट करके उन उन सेक्शंस पे पहुंच सकते हो जिन सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया है देन यूजिंग द समरीज और यूजिंग द फॉर्मुलाज जो आपने ऑलरेडी प्रेपरेशन के टाइम पे प्रिपेयर करे हैं आप इन सारे मटेरियल को यूज करके अपने आंसर्स को आ, लिख सकते हैं लास्ट बट नॉट द इंपॉर्टेंट टिप इज दैट नेवर एवर कॉपी द सेम लाइन्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक इन योर आंसर शीट जब आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं ओपन बुक एग्जाम्स में तो कभी भी सेम एग्जैक्ट लाइन्स ना लिखें दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस एंड दिस विल नेवर फेच यू गुड मार्क्स आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप अपने आंसर्स अपनी लैंग्वेज में लिखें आप अपनी प्री रिटन समरीज यूज कर सकते हो जो आपने प्रेपरेशन के टाइम पे खुद प्रिपेयर करी है लेकिन कभी भी आप अपने टेक्स्ट uh, बुक से डायरेक्ट लाइंस उठा के अपने आंसर स्क्रिप्ट में ना लिखें दिस विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट सो दीज वर समिप्स दैट आई थिंक वुड बी हेल्पफुल फॉर यू वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओपन बुक एग्जाम्स और व्हेन यू आर गिविंग दीज एग्जाम्स अगर आप इन सारी टिप्स को अच्छे से फॉलो करोगे सिंसियरली फॉलो करोगे सो आई एम श्योर कि ये एग्जाम्स आपके लिए uh, बहुत ईजी होंगे एंड यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी नाइस इन दैम